इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे परमानेंट प्लांट के बारे में जिसका नाम है डायंथस। आप इसे अगर नर्सरी से एक बार ला के लगाते हैं तो ये पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है और इसी तरह से हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स आते रहते हैं। स्पेशली इनमें विंटर्स में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होती है, पूरा पौधा आप का फूलों से भरा रहता है और आप इनको कटिंग से भी कैसे लगाएंगे इस वीडियो में वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो नर्सरी में अब आपको ये मिलने लगेगा और हमारे यहाँ जो इसका प्राइस है फ्रेंड्स वो है 25 रुपीज़ ईच प्लांट। आप इसके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आते हैं, आप किसी भी कलर का अगर आप लेंगे इसको तो ये आपको 25 रुपये इनका प्राइस है। और ये सिंगल पेटल, डबल पेटल, मतलब टू कलर्स में इनके फ्लावर्स, कुछ ऐसे आपको सिंगल फ्लावर्स मिलते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी इस टाइम में नर्सरी में आपको देखने के लिए मिलने लगेगी। बहुत हार्डी प्लांट होता है, इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसको जब आप ले आके लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल देंगे जिसमें आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेंगे, थोड़ा सा कोकोपीट ऐड करेंगे और आप 30 से 40% कोई भी कंपोस्ट मिला के आप इसको लगाएंगे तो इनमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते रहते हैं। लोगों के फ्लावर्स आना कम क्यों हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? सॉरी, मेन रीज़न होता है लोग स्पेंट फ्लावर्स की डेड हेडिंग नहीं करते। अगर आपने डायंथस लगाया और आप चाहते हैं कि आपका पौधा बुशी बना रहे, अच्छे से फ्लावर्स आते रहें, तो जब भी उनमें इस तरह के फ्लावर्स खिलने के बाद जब मुरझाने लगते हैं तो आप इस तरह के स्पेंट फ्लावर्स को अपने पॉट में, प्लांट में लगा ना छोड़ें, इनको रिमूव करते रहें। क्योंकि अगर आप स्पेंट फ्लावर्स लगा हुआ छोड़ देंगे तो प्लांट अपनी ग्रोथ स्लो कर देगा और फिर वो बीज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इसलिए बेहतर होता है कि जैसे ही पौधे में फूल खिल के मुरझा जाए आप ये काम हर 1-2 दिन के गैप पे करते रहें। डेली करने तो बेहतर होता है और अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 दिन के गैप पे आप ये काम करते रहें। जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको आप इस तरीके से कट करते रहें तो पौधा आपका दो फायदा मिलेगा इससे। एक तो पौधे में मल्टीपल ब्रांच आएगी, पौधा आपका बुशी बनता जाएगा और साथ के साथ आपके पौधे में कलियाँ बनना भी कम नहीं होगी। इनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है उसकी बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैंने तो इसको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे इस पे अभी सुबह से लेके 2 बजे तक की धूप पड़ती है और उसके बाद फिर धूप चली जाती है, तो ये उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बस आपको इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना है, जब भी आप पानी डालें तो टॉप लेयर जो है वो हल्का सा ड्राई हो जाए उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत लो मेंटेनेंस होने के साथ साथ बहुत हार्डी होता है। इस पे जल्दी मैंने आज तक कोई इंसेक्ट नहीं देखा, समटाइम्स कभी एक आध मकड़ियाँ वगैरह दिख गई, वरना उसके अलावा इस पे मैंने तो मिली बग भी नहीं देखा। और आप इसको ईजली कटिंग से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। इसकी मिट्टी की आप हर 8 से 10 दिन पे गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करते रहने से मिट्टी आपकी लूज होती रहती है, ऑक्सीजन अच्छे से अंदर तक जाती रहती है और पौधा हेल्दी वे में ग्रो करता है। बस आप एक काम ज़रूर करें कि ये जो नीचे नीचे की पत्तियां मिट्टी को टच करती रहती हैं इनको कट करके हटा दें, क्योंकि समटाइम्स पौधे में फंगस लगता ही इसलिए है कि जब पत्तियां मिट्टी को टच करती रहती हैं तो फिर पत्तियां सड़ती हैं और साथ के साथ फिर वो पूरे पौधे में फैलने लगता है। तो ये नीचे नीचे की आप जो लीव्स हैं इनको कट करके हटा दें, इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बीच बीच में देखिए मैंने इसमें कुछ स्टिक वगैरह लगा दिया है। गुड़ाई करते रहने से समटाइम्स जो पौधे में कुछ वीड वगैरह निकल आती हैं, घास वगैरह, तो आप उनको भी टाइमली हटाते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि वो पौधे का जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको सक करती रहती हैं और प्लांट की ग्रोथ रोक देती हैं, स्लो कर देती हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दिया है। गुड़ाई कर और मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी सॉइल है मेरी, सॉइल आपको एकदम हार्ड नहीं बनाना। दूसरा काम आप इसमें क्या करेंगे कि आज इस वीडियो में बताऊंगी क्या खाद आप डालें और कटिंग
लगाने के लिए देखिए, इसकी जो मेन स्टेम के पास से ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, ये ब्रांच इतनी बड़ी ब्रांच मैंने कट कर ली है। बहुत इजी तरीका होता है फ्रेंड्स मेरा कटिंग लगाने का, और 90% तक अच्छे से मेरी कटिंग सर्वाइव भी कर जाती है। 10% कभी कभी होता है कि कटिंग किसी वजह से नहीं लगती, लेकिन 90% तक कटिंग ईजिली लग जाती है। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, ये है नीम की खली। नीम की खली आप, मैंने जब प्लांट को लगाया था तब नहीं डाला था, तो ये दो पॉट के हिसाब से है, तो 2 चम्मच, मतलब ईच पॉट आप 1-1 चम्मच नीम की खली डाल देंगे। उसके अलावा देखिए, ये है जाइम ग्रेन्यूल्स, है सीवीड ग्रेन्यूल्स आप कह सकते हैं, जाइम कह सकते हैं, नर्सरी पे आपको मिल जाता है। और मैं इसका लिंक भी, प्रोडक्ट लिंक आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है इसका रिजल्ट, आइए, बहुत ठंडी खाद होती है और आप किसी भी सीजन में दे सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ये है कुछ डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP के कुछ 7 से 8 दाने हैं, जो कि ईच गमले में मैं 3 से 4 दाने फीड करूँगी। इससे क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। इसका भी लिंक आपको कैसे खरीदना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ग्रोथ फास्ट होगी, पौधे में लगातार कलियां बनती रहेंगी और फूल खिलते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका पौधा बुशी होता जाएगा। 1 से 1-1 चम्मच तक देखिए, ये अच्छे से तीनों खाद को मिक्स करके गमले के, जब भी ये आप किसी इस तरह के पौधे में खाद दे रहे हैं ना, तो हमेशा गमले के एकदम किनारे किनारे जो रिम है उसके साइड साइड में आपको खाद देना होता है। जो इसका मेन स्टेम होता है ना, वहाँ पे मत दीजिए। उससे क्या होता है कि इनकी रूट्स बहुत हार्ड नहीं होती, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, और एकदम करीब में देने से वो समटाइम्स वो पौधे की जड़ों को डैमेज कर देती हैं, जला देती हैं, जिससे खाद देने के बाद प्लांट में ग्रोथ होना तो दूर, पौधा आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब भी खाद दें तो प्लांट जहाँ लगा है उससे थोड़ा दूरी पे, मतलब जो आपका गमले का किनारा है वहाँ दें, ज़मीन में लगा हुआ है तो 1 से 1.5-1.5 इंच की दूरी पे दें। उसके बाद देखिए, इस पे अच्छे से वाटरिंग कर दिए। जब भी आप खाद डालते हैं तो उसके बाद वाटरिंग करना ज़रूरी होता है। इस तरह से देखिए वाटरिंग कर दिया। अब ये जो मैंने निकाला है, इसको मैं देखिए कैसे लगाऊंगी। इसकी जो भी नीचे नीचे की ये ब्रांचेस हैं, इनमें बहुत जल्दी रूट्स डेवलप होती हैं। नीचे नीचे की देखिए मैंने पत्तियां हटा दी, और इसको कोई अलग गमला भी मैं नहीं दूंगी। 3 से 4 दिन के अंदर इनमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोकोपीट भी मिलाया है। उसी पॉट में देखिए कोने पे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिए, क्योंकि मेरे पास अलग से अभी इस टाइम कोई छोटा पॉट नहीं है कि जिसमें अलग से लगाऊं। आपके पास अगर कोई छोटा कंटेनर हो तो छोटे कंटेनर में ही आपको हमेशा कटिंग लगाना होता है, तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने उसी में एक साइड में लगा दिया। एक कटिंग फ्रेंड्स मैं इस वाले प्लांट की भी मुझे लगाना है। इसको भी देखिए मैं नीचे से देख रही हूँ, इसकी कोई साइड ब्रांच दिख जाए तो बस इसको सिंपली ये वाली ब्रांच देखिए दिखिए, इसको भी मैंने इस तरीके से देखिए निकाल लिया। इसके भी नीचे नीचे की जो भी पत्तियाँ थी उनको हटा दी, और इसको भी मैं सेम उसी पॉट में उसके साइड में लगा दूंगी। कटिंग लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको ऐसी जगह रखूंगी कि जो कटिंग वाला पोर्शन है वहाँ पे 2 से 3 दिन, मतलब हल्की सी छनती हुई धूप जाए। मेरे पास और भी प्लांट है, उसका शेड दे दूंगी, और उसके बाद आपके दूसरे साइड से पौधे में धूप लगे। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कैसे आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। 3 से 4 दिन के बाद इनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।